नगर निगम धर्मशाला की सुधेड़ स्थित डंपिंग साइट में पुराने डंप कूड़े को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए अब दिल्ली के कंसल्टेंट अपना सुझाव देंगे। अगले सप्ताह दिल्ली से कंसल्टेंट के दो सदस्य धर्मशाला आएंगे और डंपिंग साइट के निरीक्षण के बाद अपने सुझाव देंगे। सुलगती डंपिंग साइट पर लगातार कवरेज कर इस समस्या को प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके बाद नगर निगम ने बकायदा बैठक की और फायर हाइड्रेंट लगाने के साथ साथ पुराने डंप कूड़े को खत्म करने के लिए कंसल्टेंट की सहायता लेने का भी फैसला लिया। इस बैठक में बकायदा महापौर, आयुक्त, अधिशासी अभियंता व सफाई निरीक्षण ने मंथन किया था और उसके बाद ये निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि धर्मशाला में हर वर्ष सुलगने वाली डंपिंग साइट इस बार 9 जून से लगातार सुलग रही है। हालांकि अग्निशमन विभाग की 30 गाड़ियों से यहां पानी का छिड़काव किया जाता है और बकायदा 2 कर्मियों का पाइप के माध्यम से बुझाने के लिए भी इंतजाम किया गया है। गौरतलब है कि SDM धर्मशाला ने नगर निगम धर्मशाला को CRPC की धारा 133 के अंतर्गत एक नोटिस भी दिया था और नगर निगम को आज तक का समय दिया गया था कि आग पर काबू किया जाए और अगर इस तरह धुआं रहता है तो नगर निगम पर जिला प्रशासन FIR दर्ज करवा सकता है। उसी के मद्देनजर नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त, महापौर, उप महापौर सहित नगर निगम के कर्मचारी डंपिंग साइट पर मौजूद रहे और मीथेन गैस को कम करने के लिए डंपिंग साइट पर पाउडर का छिड़काव भी किया गया। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज कल श्रद्धालु एवं पर्यटकों की बाहर देखने को मिल रही है। यहाँ श्रद्धालु व पर्यटक मंदिर के आसपास बंदरों को बिस्कुट खिलाकर उनके साथ खूब सेल्फी और फोटो खिंचवा रहे हैं। हर कोई श्रद्धालु, चाहे वो वृद्ध हो, युवा हो, बच्चे हो, सभी नटखट बंदरों के साथ फोटो एवं सेल्फी लेने में मशगूल दिख रहे हैं। ये नटखट बंदर भी उनसे डरते नहीं हैं और ना ही उन्हें काटते हैं, केवल बिस्कुट खाते हैं और सेल्फी खिंचवाते हैं। बंदरों को बिस्कुट खिलाते श्रद्धालुओं ने भी इसका काफी मजा लिया है। मंडी के ऐतिहासिक पद्दल मैदान में पिछले 3 दिनों से पुलिस की भर्ती आयोजित की जा रही है। 3 दिनों से महिला अभ्यर्थी ही भर्ती प्रक्रिया में भाग ले रही हैं। भर्ती के तीसरे दिन शनिवार को 1500 महिलाओं को बुलाया गया था, जिनमें से 1190 अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से 586 महिलाओं ने परीक्षा को पास किया। वहीं गत दिनों 1200 महिलाओं को भर्ती प्रक्रिया में बुलाया गया था, जिनमें से 1013 महिला अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया में भाग लिया और 485 महिलाओं ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में जानकारी देते हुए SP मंडी गुरुदेव शर्मा ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। भर्ती प्रक्रिया की हर एक्टिविटी को कैमरे में कैद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी की सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े प्रबंध किए गए हैं। नूरपुर उपमंडल के CBSE और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित निजी स्कूल जो मान्यता प्राप्त हैं के द्वारा नूरपुर के SDM डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर को मॉनसून की छुट्टियों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि जो मॉनसून की छुट्टियां हैं बरसात में होनी चाहिए, ना कि गर्मियों में, ये कहना है अरविंद डोगरा का।
उन्होंने कहा कि क्योंकि निजी स्कूल की अपनी बसें हैं, बरसात जब होती है तो बसें चलने में काफी दिक्कतें पेश आती हैं। उसमें स्कूल के बच्चों की सेफ्टी, बसों की सेफ्टी सभी शामिल होती हैं। पिछली बार भी सरकार के आदेश का पालन किया गया था, जून से अगस्त तक छुट्टियां की गई थी, लेकिन बारिश की वजह से अगस्त में लगभग 6 दिन के लिए स्कूल बंद रखने पड़े थे। निजी स्कूल ने ज्ञापन में एसडीएम नूरपुर को बता दिया है कि इस बार स्कूल द्वारा 12 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक छुट्टियां दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस बार उपमंडल नूरपुर में निजी स्कूल इन छुट्टियों के दौरान बंद रहेंगे, ना कि सरकार द्वारा दी जाने वाली छुट्टियों के आधार पर। किरण पठानिया ने बताया कि पिछली बार जब अंतिम समय पर छुट्टी दी गई थी तो बहुत समस्याएं आई थी। एक दिन पहले रात को ही पता चला था कि कल छुट्टी है, या सुबह ही पता चलता था कि आज छुट्टी है। उस समय बच्चों के अभिभावकों को बताने में कई बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। वहीं नूरपुर के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि नूरपुर उपमंडल के जितने भी निजी स्कूल हैं उनकी तरफ से ज्ञापन सौंप दिया गया है, जिसमें सरकार से मांग की गई है कि छुट्टियों के समय को मॉनसून के समय दिया जाए। ये ज्ञापन आगे डीसी कांगड़ा को भेज दिया गया है। नगर निगम शिमला के भरियाल कूड़ा संयंत्र के कचरे में सुलग रही आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। पिछले लगभग एक माह से ये कूड़े संयंत्र अंदर से ही सुलग रहा है। शिमला शहर का सारा कूड़ा इसी संयंत्र में जाता है। रोज के एकत्रित कूड़े से यहाँ कचरे का पहाड़ भी बन गया है। इस कचरे में गहराई से आग सुलग रही है, जिससे लगातार जहरीले धुएं का गुबार भी निकल रहा है। ये धुआं आसपास के गांवों में फैला हुआ है। लोगों का यहां जीना मुश्किल हो गया है।